इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय आठ। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय आठ। सुलेमान का चरित्र। सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे, उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इसराइलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयवंत हुआ, और उसने तदमोर को जो जंगल में है और हमात के सब भंडार नगरों को दृढ़ किया। फिर उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बेथोरोन को शहरपनाह और फाटकों और बेड़ों से दृढ़ किया, और उसने बालात को और सुलेमान के जितने भंडार नगर थे और उसके रथों और सवारों के जितने नगर थे उनको और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देश में बनाना चाहा, उन सबको बनाया। हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बचे हुए लोग जो इस्राएल के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए थे और जिनका इस्राएलियों ने अंत न किया था, उनमें से तो कितनों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास न बनाया। ये तो योद्धा और उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए, और सुलेमान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करने वाले थे वे 250 थे। फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उनके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा कि जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वे पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इस्राएल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उसने ओसारे के आगे बनाई थी यहोवा को होमबलि चढ़ाई, वह मूसा की आज्ञा के और दिन दिन के प्रयोजन के अनुसार, अर्थात विश्राम दिन और नए चांद और प्रतिवर्ष तीन बार ठहराए हुए पर्वों, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करता था। और उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों की सेवकाई के लिए उनके दल ठहराए और लेवियों को उनके कामों पर ठहराया कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करे, और एक एक फाटक के पास द्वारपाल को दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसी आज्ञा दी थी। और राजा ने भंडारों या किसी और बात में याजकों और लेवियों के लिए जो जो आज्ञा दी थी उनको न टाला। और सुलेमान का सब काम जो उसने यहोवा के भवन की नींव डालने से लेकर उसे पूरा करने तक किया वह ठीक हुआ, निदान यहोवा का भवन पूरा हुआ। तब सुलेमान एस्योन गेबेर और एलोत को गया जो एदोम के देश में समुद्र के तीर पर है, और हुराम ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के जानकार मल्लाह भेज दिए, और उन्होंने सुलेमान के जहाजियों के संग ओपीर को जाकर वहां से 450 किक्कर सोना राजा सुलेमान को ला दिया।